सिंह की फिल्म बॉस का ट्रेलर रिलीज हुआ। एज यूजुअल ये एक एक्शन फिल्म है, साथ ही साथ रोमांस भी इसमें भरपूर है। अर्शी इस फिल्म की हीरोइन है और विलेन के रूप में आप देखेंगे महेश मांजरेकर को। ये है फिल्म में वो कलाकार जो मुख्य तौर पर हैं। और आपको बता देते हैं कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रेम राय हैं, और इस फिल्म को लेकर हम इतना ही कहेंगे कि आपने अगर पवन की कई एक्शन फिल्में देखी हैं तो उसमें से एक और एक्शन फिल्म देख लीजिए। ये पवन की एक और बेहतर एक्शन मूवी है और इस फिल्म में वर्चस्व की लड़ाई है और इस फिल्म को लोग पसंद ज़रूर करेंगे क्योंकि पवन सिंह के एक्शन के अवतार को सभी पसंद करते हैं। फिल्म में गाने बहुत बेहतरीन हैं। फिल्म में चांदनी सिंह आइटम नंबर करती नज़र आएंगी तो दूसरी तरफ काजल राघवानी, दोनों के गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म से जो एक शिकायत है कि इसका ट्रेलर जो रिलीज़ किया गया है उसकी क्वालिटी बहुत लो है। ये और अच्छे ढंग की क्वालिटी हो सकती है। और आपको बता दें आजकल तो पवन के गाने जो रिलीज़ हो रहे हैं वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं, तो ये पवन की फ़िल्म का ट्रेलर था, इसे और भी अच्छे तरीके से रिलीज़ करना चाहिए था। बस थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पर हो गई है और इसे ध्यान में रखना बिल्कुल चाहिए था क्योंकि ये पवन के बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के साथ पवन सिंह का एक और बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट ये है कि पवन सिंह ने इस फिल्म को साइन करते वक्त 151 रुपए में इस फिल्म को साइन की थी। फिल्म में जगह जगह पवन सिंह का जो लुक है वो बहुत बेहतरीन है और उनके कपड़ों पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। साथ ही फिल्म की जो हीरोइन है उनकी ये पहली फिल्म लग ही नहीं रही है। और एक बहुत बड़ी बात आपने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं ध्यान दिया है तो हम ध्यान दिला देते हैं, अर्शी और पवन सिंह का इसमें एक रोमांटिक सॉन्ग है। ये रोमांटिक सॉन्ग वहीं शूट हुआ है जहां पर श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर की एक फिल्म का गाना हम्मा हम्मा शूट हुआ था, वहीं पर ये गाना शूट हुआ है। और आप देखेंगे तो अर्शी की ड्रेसिंग भी काफ़ी कुछ श्रद्धा से मिलती जुलती है। अगर आप उस गाने को और इस गाने को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों गाना एक ही जगह शूट हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिल्म की एक और खासियत आपके सामने, फिल्म का जो म्यूज़िक है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन सबसे दुख की बात भी यही है कि गानों को उस तरह से यूज़ नहीं किया गया ट्रेलर में। ऐसा लग रहा है कि घुसेड़ दिया गया है। कुछ गाने जैसे कि काजल राघवानी का ही जो गाना था वो सरप्राइज गाने के रूप में यूज़ करना चाहिए था फिल्म मेकर को, जो कि वो भूल गए हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलकर पवन के जो भी फिल्म का ट्रेलर आए वहां पर जो पवन की मैनेजिंग टीम है उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिल्म के ट्रेलर का जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस फिल्म का जो प्रमोशन है, इस फिल्म के ट्रेलर का जो प्रमोशन है वो किया ही नहीं गया पवन के नवरात्र गीतों के प्रमोशन के आगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।